टेनिस बॉल से क्रिकेट की दुनिया में आया टीम इंडिया ने नया शमी एक झटके में पाया। कुछ ही घंटों में अंग्रेजी बल्लेबाजों को घुटने पर लाया आकाशदीप ने डेब्यू मैच में ही तहलका मचाया। जी हां, नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि अब आकाशदीप ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। आकाशदीप की घातक गेंदबाजी के आगे अंग्रेज बौने साबित हो गए। एक झलक में हर किसी ने ये कह दिया कि नया शमी कौन है। हालांकि शमी और बुमराह की गैर मौजूदगी में आकाश ने शानदार गेंदबाजी कर डाली। कोच राहुल द्रविड ने टेस्ट कैप सौंपी जिसके बाद आकाश ने अपनी मां को मैदान पर प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और पहला ओवर फेंका। आकाश ने अपने तेवर शुरुआती ओवर में दिखा दिए थे। मैच में 3.5 ओवर पर क्रॉली को बोल्ड कर दिया था लेकिन बदकिस्मती से वो बॉल नो बॉल निकल गई। थोड़े निराश होकर फिर गेंदबाजी के लिए आकाश गए तो कुछ देर बाद 10वें ओवर में दूसरी गेंद पर बेन टकेट को 11 रनों के स्कोर पर कैच करवा दिया और डेब्यू मैच का पहला विकेट लिया। उसके बाद अगले ओवर में ओली पोप को खाता तक नहीं खोलने दिया और LBW आउट कर दिया। इसके 2 ओवर बाद जैक क्रॉली को भी चलता कर दिया और लगातार 3 विकेट चटका लिए। बुमराह की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया के पास तेज गेंदबाजी के सिर्फ 2 ही विकल्प थे, पहला मुकेश कुमार और दूसरा आकाशदीप। मुकेश कुमार इस सीरीज में पहले भी खेल चुके हैं। विशाखापट्टनम टेस्ट में उन्हें मौका मिला था जहां वो पूरी तरह से बेरंग नजर आए थे। ऐसे में आकाशदीप का टेस्ट डेब्यू हुआ और ये खिलाड़ी पहले ही टेस्ट में छा गया। शमी जैसी रफ्तार, वैसी ही स्विंग, सेम पोजीशन, एक नजर में देखने वाले यही कहेंगे नया शमी टीम इंडिया में आ गया है। बिहार के सासाराम के आकाशदीप को क्रिकेट खेलने का बचपन से ही शौक था। वो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे लेकिन उनके पिता उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उनका प्लान आसमान की बुलंदियों को छूने का था। वो नौकरी खोजने के बहाने दुर्गापुर के रवाना हुए और वहाँ उन्हें अपने चाचा का साथ मिल गया। वहाँ एक स्थानीय एकेडमी में उन्होंने एडमिशन लिया जहाँ उन्होंने अपनी रफ्तार को हासिल करना शुरू किया। हालांकि उनके पिता को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। 2 महीने बाद उनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। इस तरह वो पूरी तरह से टूट गए। घर में पैसे नहीं थे और अपनी माँ की देखभाल भी करनी थी, इसके चलते उन्हें 3 सालों के लिए खेल से बाहर होना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन को एक बार फिर से बनाने की कोशिश की लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका क्रिकेट का सपना इतना बड़ा था कि उसे जाया नहीं जाने दिया जा सकता। वो दुर्गापुर लौट आए और फिर कोलकाता चले गए जहां उन्होंने एक छोटा कमरा किराए पर लिया और अपने चचेरे भाई के साथ रहने लगे। इसके बाद उनका क्रिकेट से नाता एक बार फिर से जुड़ गया और वो आगे बढ़ते चले गए। शुरुआत में उनको बंगाल के अंडर-23 टीम में मौका मिला और जल्द ही उनको रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। दिसंबर 2019 में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया और फिर 2022 में उनको IPL में खेलने का मौका मिल गया। वो RCB की ओर से खेले और 2023 में भी वो RCB का ही हिस्सा थे। हालांकि 2 सीजन में उनको 7 मैच ही खेलने का मौका मिला लेकिन अब 2024 में उन्होंने फरवरी के महीने में अपना टेस्ट डेब्यू कर लिया है। फर्स्ट क्लास के 30 मैचों में उन्होंने 104 विकेट चटका कर तहलका मचा दिया। वहीं लिस्ट क्रिकेट में उनके नाम 42 विकेट हैं। अब देखना होगा कि टीम इंडिया के लिए नया शमी आकाश में कितना अपना नाम रोशन कर पाता है। वैसे आकाशदीप की ये धाकड़ गेंदबाजी आपको कैसी लगी, क्योंकि आपको चलते चलते ये बता दें कि आकाशदीप क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे भारतीय गेंदबाज हैं जिसने अपने पहले ही डेब्यू मैच में लगातार ऊपर के 3 विकेट लिए हों। ऐसी हैट्रिक आज तक बड़े से बड़ा गेंदबाज नहीं लगा पाया लेकिन आकाशदीप ने ये कारनामा भी करके दिखा दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। यानी कि 147 सालों के क्रिकेट के इतिहास में आकाशदीप अब हिंदुस्तान के सबसे बड़े गेंदबाज बन गए हैं, क्योंकि आते ही लगातार 3 विकेट किसी ने अपने डेब्यू मैच में नहीं चटकाए थे। आकाशदीप ऐसा करने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। तो कैसा लगा आपको उनका यह महारिकॉर्ड? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।